Subscribe the COP World and press the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस सी ओ पी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पी आई सी टी पुणे वर्सेस एम आई टी पुणे वर्सेस वी आई टी पुणे, इन तीनों कॉलेज को कंपेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये तीनों कॉलेज बहुत ही अच्छे और टॉप लेवल के कॉलेज है, लेकिन आपको इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। तो किसे आप चूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहिए, हम हर एक टॉप के पॉइंट को कवर करने वाले हैं और टोटल कंपैरिजन इन तीनों कॉलेज में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, और लास्ट में मैं मेरा भी ओपिनियन दूंगा कि आपको किस बेसिस पे कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए। और ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, इसमें जो डेटा यूज़ किया है वो टोटली ऑफिशियल डेटा है। फ्रेंड्स, तो ऑफिशियली उन्होंने रिलीज़ किया हुआ डेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इसी बेसिस पे हम इन तीनों कॉलेज को कंपेयर करेंगे और टोटल पॉइंट का कंपेरिज़म हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, और वैसे तो ये तीनों कॉलेज आपके मार्क के बेसिस के ऊपर आपको मिलते हैं कि नहीं, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आप सी ओ पी वर्ल्ड से जान सकते हैं। फ्रेंड्स, तो वही इन्फॉर्मेशन आप कैसे जानेंगे, इसके लिए हम कुछ 30 सेकंड के लिए आपके काम की, बहुत ही काम की बात डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड, अब आप किसी भी कॉलेज की कट ऑफ की लिस्ट और क्या किसी भी एग्ज़ाम की कैप राउंड की लिस्ट आपके मार्क के बेसिस पे मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, और जो लिस्ट रहेगी वो वेल रिसर्च टॉप प्लेसमेंट और टॉप कॉलेज के और आपके मार्क के बेसिस पे रहने वाली है। और उसी लिस्ट में थोड़ा बहुत आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज करके आप कैप राउंड में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे उस पर जाके क्लिक करके टोटल इन्फॉर्मेशन एक बार प्रॉपरली रीड कर देनी है। और प्रॉपरली रीड करने के बाद सी ओ पी वर्ड को ईमेल कर देना है, उसके बाद सी ओ पी वर्ड आपको वाया ईमेल टोटल इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा। और किसी भी कॉलेज को अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहोगे तो एक बार आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, टोटल इन्फॉर्मेशन चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर पी आई सी टी पुणे, एम आई टी पुणे और वी आई टी पुणे की इस्टैब्लिशमेंट देखी जाए तो वो 1983 को इस्टैब्लिश हुए थे। तो दोनों ही तीन ही कॉलेज ये 1983 को इस्टैब्लिश हुए थे। फ्रेंड्स, अगर पी आई सी टी की एन आर एफ रैंकिंग देखी जाए तो 101 to 150 रैंक में उसे एन आर एफ ने रैंकिंग दी थी। एम आई टी को 154 रैंक दिया था और वी आई टी को 155 रैंकिंग दी थी। अगर कॉलेज की फ़ी देखी जाए पी आई सी टी पुणे की तो 1 लाख रुपीज़ है। एम आई टी की कॉलेज की फ़ी 2,85,000 है, बहुत ही ज़्यादा इनकी कॉलेज की फ़ी है। और वी आई टी की कॉलेज की फ़ी देखी जाए तो 1,79,000 इतनी है। फ्रेंड्स, हॉस्टल की फ़ी देखी जाए पी आई सी टी पुणे की तो 1 लाख रुपीज़ है। एम आई टी की 90,000 है और वी आई टी की 70,000 तक हॉस्टल की फ़ी है। फ्रेंड्स, तो ये थी टोटल फ़ी के बेसिस पे कंपैरिजन। तो फ़ी पे बेसिस पे देखा जाए तो एम आई टी की सबसे ज़्यादा फ़ी चलने वाली है। फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा 4 ईयर के कोर्स के लिए। और उसके बाद हम आगे की देखेंगे कि इनके इतनी फ़ी पे करने के बाद भी आपको कितना प्लेसमेंट मिल सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अगर एवरेज पैकेज देखा जाए पी आई सी टी का, वो 6 लाख रुपीज़ है। फ्रेंड्स, एम आई टी का एवरेज पैकेज 5 लाख है और वी आई टी का एवरेज पैकेज 6 लाख रुपीज़ है। अगर अभी तक हाईएस्ट पैकेज देखा जाए पी आई सी टी पुणे का, वो 35 लाख है। एम आई टी का 21 के बीच में है फ्रेंड्स, और वी आई टी का 30 लाख है। अगर लोकेशन एडवांटेज देखा जाए तो तीनों ही कॉलेज को मिलेगा। वैसे तो पुणे में बेसिस रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर और सी एस आई टी की जो कंपनी है टॉप की, वो पी आई सी टी पुणे में ही जाने वाली है। फ्रेंड्स, और वहाँ पे जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज ऑफर करने वाली है। और अगर लोकेशन एडवांटेज देखा जाए तो तीनों को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वो पी आई सी टी को मिल सकता है। फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे सी एस आई टी की बहुत ज़्यादा कंपनी जाएगी। और अदर देखा जाए तो तीनों में सेम रहने वाला है। फ्रेंड्स, तो लोकेशन एडवांटेज तीनों में सेम रहेगा, लेकिन अगर पी आई सी टी में देखा जाए तो ओनली 3 ब्रांच ही आपको मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, सी एस आई टी और ई एन टी सी। और डिफरेंट अदर ब्रांचेस में अगर आपको जाना होगा तो आप वी आई टी और एम आई टी को भी प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि उन कॉलेज में आपको अदर ब्रांचेस भी, मैकेनिकल, सिविल, ये वाले ब्रांचेस भी आपको मिलेगी वी आई टी और एम आई टी कॉलेज में। लेकिन आपको तीनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट है, सी एस आई टी और ई एन टी सी में, तो आप पी आई सी टी को प्रीफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और अच्छा सा अच्छा पैकेज उस कॉलेज से गेन कर सकते हैं। अगर फैकल्टी देखी जाए तो तीनों ही कॉलेज की फैकल्टी आपको अच्छे से अच्छी टॉप लेवल की मिलेगी। फ्रेंड्स, फैकल्टी सेम रहेंगी। और हॉस्टल कैंपस देखा जाए तो वो एम आई टी और वी आई टी का ज़्यादा बड़ा है, पी आई सी टी का जो हॉस्टल कैंपस है स्मॉल है, और कॉलेज कैंपस भी पी आई सी टी का छोटा रहेगा। फ्रेंड्स, अगर हम कंपेयर करते हैं एम आई टी और वी आई टी से। और कैंटीन और मेस देखे जाए तो तीनों में ही आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी
मिलती है फ्रेंड्स। तो ये था इनके बेसिस पे कंपैरिजन। अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये तीनों में से किसी एक कॉलेज को चूज़ करना होता तो पहले फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, MST CET एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद पहला ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा आप CUP और VJTI की तरफ ही जाइए फ्रेंड्स। अगर वो दो कॉलेज में से आपको कोई कॉलेज लगता नहीं है तो आप PICT, MIT और VIT की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट चाहिए होगी, तो आप PICT को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन PICT में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रहने वाली है फ्रेंड्स। आपको कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको प्लेसमेंट मिलेगी फ्रेंड्स। अगर आपको ज़्यादा कॉलेज मीडियम लेवल तक कॉलेज करना है तो आप VIT और MIT को प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे और एक डिफरेंस देखा जाए तो VIT ऑटोनोमस कॉलेज है और बाकी के PICT है प्राइवेट कॉलेज रह सकता है फ्रेंड्स। अगर आपको स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाना होगा, अच्छे से करना होगा परफॉर्म, तो आप VIT को कर सकते हैं फ्रेंड्स। और लेस कॉलेज करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी होगी तो आप VIT को प्रिपेयर और MIT को प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर आपको PICT में जाके तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है फ्रेंड्स कि आपको रोज़ कॉलेज करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट अटेंडेंस का रूल PICT पुणे में रह सकता है फ्रेंड्स। और MIT का देखा जाए तो फ्रेंड्स, MIT का कैंपस लार्ज पड़ेगा, लेकिन जो जो टोटल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ये कॉलेज रहने वाला है फ्रेंड्स। आपको 4 ईयर में आप बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे और उसके बाद भी आपको कुछ आउटकम मिलता है कि नहीं, इतना ज़्यादा आउटकम उस कॉलेज में मिलता है कि नहीं, आपको वो देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा फ़ी भर के। तो पहला आप देखेंगे, अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा प्लेसमेंट चाहिए तो PICT को प्रीफर कर दीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और प्लेसमेंट चाहिए तो VIT, और उसके बाद आप MIT को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से आपको देखना है। एंड फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है 3 दिन कॉलेज का डेटा निकालने में और उन्हें कंपेयर करने में। और CUP वर्सेस VJTI, ये भी कॉलेज का कंपैरिजन मैंने बनाया फ्रेंड्स, आप एक बार चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले। और एक बार आप चैनल पर जाके विजिट करके टोटल वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो पहले से बना के रखे हैं फ्रेंड्स। आपके टोटल डाउट, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स वो वीडियो देखने के बाद। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो MST CET एग्जाम के ऊपर भी बना के रखे फ्रेंड्स, आप एक बार चैनल पे जाके विजिट कर दीजिए। जैसे आपके चैनल के जाके विजिट किया, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगे फ्रेंड्स, और वो प्लेलिस्ट ओपन करके आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको हर एक एग्जाम के ऊपर वीडियो इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो मेक श्योर आप चैनल पर जाके विजिट कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से मदद होनी चाहिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you.